जहां मैं रहूंगा वहीं रहेगी तबस्सुम। अपनी बीवी को अब मैं मजीद दूसरों के आश्रय पे नहीं छोड़ सकता। एंजियोग्राफी करेंगे, दो एक्सटेंड डालेंगे बस। हाय अल्लाह, मैंने क्या तुम्हारे साथ कोई चक्कर चलाया है? प्रपोज किया मैंने तुम्हें? नहीं, लेकिन गौहर ने किया है। लेकिन सलीका चाची ने तो तुम्हारी खाला से बात की है। यार वो तो तुम्हारी अम्मी ने भी मेरी अम्मी से की है ना रिश्ते की बात। मुझे फराज अभी की अभी जाना है बाबा से मिलने के लिए। हाँ तो चली जाओ, मना किसने किया है? सलीका चाची। मैं उनको संभाल लूंगा। I'm sorry. किस बात पर? वो मैं समझी के। क्या समझी तुम? कि मैं नाटक कर रहा हूँ तुमसे मोहब्बत का, वो भी खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? हनूर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गैर खानदानी हरकत कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? क्या किसी भी लड़की के साथ? चनाल प्लीज। हाथ हटाओ अपना। क्यों? क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करती हो। अच्छा तो फिर जाओ ना बब्बी से शादी कर लो जाकर। बर्दाश्त कर लोगी? जमीन में गाड़ दूंगी। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? मोहब्बत में पोजेसिव होने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? पहले ये तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें मोहब्बत है भी या नहीं। तो क्या मैं ऐसी कल से पागल हो रही हूँ? इतनी मिन्नतें करके मैंने अब्बा मियां को तुम्हारे घर पे भेजा क्योंकि तुम्हारा फोन बंद था, और रात में भी तुम्हारे कमरे में आई थी अपने जान हथेली पर रखकर। अच्छा और? और तुम्हें पता है बी अम्मा हमारे घर नाराज होकर आई हैं। नाराज होकर? जी, क्योंकि वो तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कर रही थी और आपकी अम्मी और प्यारी भाभी ने उनकी इंसल्ट कर दी। पर भाभी तो कह रही थी कि वो वैसे गई थी तुम्हारे घर। झूठ बोल रही हैं वो, इसलिए तो आनंद फानंद तुम्हारी किसी भी एक्सवाइजी से शादी करवाना चाहती हैं। क्या यार, बर्थडे ही खराब कर दी सबने मिलके। हमारी बर्थडे है आज? जी, तुम्हें लड़ने से फुर्सत मिले तब सोचोगी ना। हैप्पी बर्थडे असली। ये सही है, साडा सा सुखा के रखो और अपना काम चुक के रखो। ख्याल आ गया तुझे प्यो की आदत करने का? थोड़ा तहम्मुल से बेटा। ना भी अम्मा, क्या तहम्मुल से है, इन्हीं के खानदान के पिट से आपों की वजह से शजी साहब की यह हाल होगी, बेचारे दिल के मरीज हो गए। अरे यार तुम समझाओ ना अपनी बीवी को। गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है अब्बा? हाँ अब इस गरीब मुल्ला की बांगे सुन सुन के ही तो पूरा शहर आ रहा है आदत करने के लिए, अब अपनी बेटी को ही देख लें। मैं चलती हूँ। अरे बेटा आराम से बैठ जाओ, बाप की आयादत तो कर लो आराम से। तन्नो मेरी मेडिसिन लेकर, टाइम हो रहा है। हाँ जी, मुझे ही फाइल लगा के रखे हैं आप लोग सारे, और डालते रहे बांदरों के गले में हार। क्यों रोए जा रही? ठीक हो जाऊंगा मैं। मैं कल ही डॉक्टर मसूद से टाइम ले लूंगा बेटा, दिखा दूंगा अच्छी तरह, फिक्र नहीं करो। वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, खड़े खड़े 8-9 लाख का बिल बना देगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो हम इतने सारे पैसे का क्या करेंगे, हमने कब्र में लेकर जाना है क्या सब? कर लूंगा मैं, हो जाएगा। निधा और करो इमोशनल ड्रामे और भड़काओ बाबा को, देख लिया उसका अंजाम। मैंने क्या किया? तुम चाहती तो दोनों घरों को जोड़ के रख सकती थी, लेकिन तुमने तो हमेशा जलती पे तेल छिड़का। बाबा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उधर की बात इधर करती थी, सबको भड़काती थी, और बाबा ने उसी चीज का स्ट्रेस लिया। निधा सुने, आप ना मेरी ज्वेलरी बेच दें। लेकिन क्यों ज्वेलरी बेचना चाह रही हो तुम अपनी? क्योंकि वो ज्वेलरी बेच के मैं बाबा को ट्रीटमेंट के लिए पैसे देना चाहती हूँ। कमाल करती हो यार, 8-10 लाख तो मैं भी दे सकता हूँ। आपसे वो क्यों पैसे लेंगे? लेकिन तुमसे क्यों लेंगे वो पैसे? तुम टेंशन ना लो, मैं अब्बा मियाँ के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर लूंगा। फराज बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस वो टाइमली अपने ट्रीटमेंट करवा दे, ज्यादा डिले ना करें।
आप दोनों को बड़ी अम्मी बुला रही हैं। अच्छा तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। चुटकी, चाचू आ गए तुम्हारे? जी चाचू तो आ गए, पता नहीं वो क्यों बड़ी अम्मी से लड़ रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही। किससे पूछ के गई थी आप मेरा प्रपोजल लेकर बबली के घर? परे मर वडाया पाटे खान, मेरा पुत्र मेरी मर्जी। लड़की की मर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस घर में। अरे बेटा क्यों नहीं है भाई, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। पूछे अम्मी से, जब एक दफा मैंने घर के रिश्ते से मना कर दिया था तो इन्होंने दोबारा क्यों बात की? हाँ बताओ तुम। भी अम्मा वो मैंने इसलिए की है क्योंकि इनके वालिद मोहतरम ने फरमाया है कि जब तक इसकी डोली नहीं उठेगी ये अपनी एंजियोप्लास्टी नहीं कराएंगे। बड़े अफसोस की बात है भाभी, मुझसे एक बार भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। आपको पता है कितनी एंबैरेसमेंट हुई है मुझे बबली और गौहर के सामने? नहीं मेरी बात सुन, कोई इश्तिहारी मुजरिम है तुम खुदा ना खास्ता कि तुझे एंबैरेसमेंट हुई है। गौहर और बबली पसंद करते हैं एक दूसरे को और आप मुझसे पूछे बगैर मुंह उठाकर चले गए मेरा प्रपोजल लेकर। भाभी कम से कम आपको तो एहसास होना चाहिए था। क्या हो गया इसकी, आराम से बात करो, पहले से वो इतनी अपसेट है अपने बाबा की वजह से। मैंने तो कहा था चच्ची को। और चच्ची ने उड़ा दिया होगा हमेशा की तरह इस बात को पतंग समझ के। उड़ाऊंगी तुम्हें गौहर की माँ को, हैं? तो के सामने खड़ा करा दिया मुझे फसादी औरत ने और तीली लगा दी है। और तुम इन तीलियों को डाल के रखो, माचिस की डब्बी में वापस काम आ जाएंगी। और जिसकी शादी हो रही है ना उसे खुद ही फैसला करने दो, बच्चा नहीं है वो। सियाने हमेशा कहते थे लंबे लोगों की अकल उनके गिट्टों में होती है, आज मैं देख भी रही हूँ। अच्छा ये बात है, तो बाबा जरा पूछे इनसे भी अम्मा क्यों खफा होके गई है इस घर से। अम्मा खफा होके गई है? मुनीर जी वो क्या है कि मैं आपको सारी गल बताती हूँ। वो दूध रखा हुआ है चूल्हे पे, हाय आंच पे, हाय मैं मर गई, सार जाएगा। बाबा मेरी शादी का आपके एंजियोप्लास्टी से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा, पूजा अपनी माँ से। इनके पुप्पा का इंतकाल हो गया था इसी वजह से। अस्तगफरुल्लाह, ये क्या फजूल बातें सुना रही हो तुम अपने मियाँ को? ना तो भी अम्मा, यही तो रियलिटी है और बंदे को सुतरे अंदाज से ना हकीकत पसंद होना चाहिए। तो उन पुप्पा के चक्कर में आप मुझे गौर की खूंटी से बांधना चाहती हैं? ना मानो तो मुझे एक बात बता, तू बकरी है जो तुझे किसी खूंटे से बांध देंगे? और तू मुझे ये बता कि गौहर में ऐसा कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? अम्मी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है उसमें, इमोशनल फॉल्ट है। वो अपनी कजन बबली से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। ओए तो जब वहाँ इंटरेस्ट था तो माँ को बतानी चाहिए थी ना उसे अपनी ये मोहब्बत वाली ढोलकी। उसकी माँ एक घर से दूसरे घर में टापे मारती फिर रही है उसके रिश्ते के लिए। जो भी है तन्नो, तुम खत्म करो इस किस्से को। हमारी लड़की को रिश्तों की कमी है क्या? नहीं भी अम्मा, रिश्तों की कमी नहीं है खैर से मानो के लिए, लेकिन अकल की और वक्त की कमी तो है ना। अपने बेटे को समझाए ना फिर आप, इसलिए तो मुझे इतनी काली पड़ी हुई है। जब तक मेरी मानो का निकाह नहीं हो जाता मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। लो जी खोता डाल दिया खूह में, अब हम क्या करें? असफी तुम्हें भी अम्मा वाली बात किसने बताई है? आपने तो नहीं बताई ना। चच्ची ने मना किया था। अच्छा तो अब चच्ची ज्यादा अहम हो गई आपके लिए? मैं तो आपके लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर था ना। अभी भी हो? नहीं हूं मैं, मान तोड़ा है आपने मेरा। आपको पता है अफसोस मुझे बबली के घर रिश्ता भिजवाने पर नहीं आपके छुपाने पर हुआ है, अंदाजा है आपको इस बात का? कसम से असवी मैंने चची को बोला था एक दफा असवी से बात कर लें, मगर वो खफा हो गई। खफा तो मैं भी हूँ आपसे। किस बात पे? सारी दुनिया भूल जाती थी लेकिन आप कभी नहीं भूलती थी, लेकिन आपने भी गैर अहम कर दिया ना। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है आज डेट क्या है? नहीं। बर्थडे आज मेरी। वास्फी, बाबा की बीमारी और भी अम्मा के चक्कर में कसम से सब भूल गई, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं इट्स ओके, कसूर आपका नहीं है। वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती है ना। अब बेटा बड़ा हो रहा है आपका, भाई की कहाँ जरूरत रहेगी आपको। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही हो गया, सॉरी। हाँ लेकिन मैं वाकई आपसे बहुत अपसेट हूँ। असफी मर गया। असफी हैप्पी बर्थडे असफी। ख्याल आ गया तुम्हें विश करने का? 50 मैसेजेस कर चुकी हूँ और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया मुझे।
क्या जवाब देता यार? घर पे भी एक साथ कई महाज खुले हुए हैं। यहाँ पे भी यही हाल है, बहुत टेंशन है भाई। खैरियत, सब ठीक तो है ना? अब्बा ने एक जिद पकड़ ली है बस। कैसी जिद? वो कह रहे हैं कि जब तक मैं शादी नहीं करूंगी वो एंजियोप्लास्टी नहीं करवाएंगे। तो कर लो शादी, प्रॉब्लम क्या है? सामने आओ, बताती हूँ मैं तुम्हें। बता दो, आ गया हूँ। बताओ भाई, क्या बताना था? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? किसी ने देख लिया तो? कह देना, लड़का चाहिए था शादी के लिए, मिल गया। तुमसे शादी क्यों करूंगी मैं? क्यों भाई, क्या कमी है मुझमें? देखकर बताती हूँ। हाँ भाई, हर एंगल से चेक कर लो। कहो तो चश्मा ला दूं? मुझसे थोड़े से लंबे हो। हील पहनने ना गुजारा हो जाएगा। नाक भी थोड़ी लंबी है। वो तो वैसे ही पूरे खानदान के सामने कटने वाली है जब हम दोनों अपनी मोहब्बत का इतराफ करेंगे। फजूल बातें मत करो, जाओ इधर से। अच्छा भाई, पहले शराफत से मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। अम्मी को बुलाऊं, देंगी तुम्हारे स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। क्या भी अम्मा, आपकी भी ना दुश्मनों के घर आके याददाश्त बड़ी खराब होने लग गई है। हालांकि इतने बादाम भी खिलाता था मैं आपको। याद है मुझे कि तुम्हारी सालगिरह है आज। अरे, आपको वाकई याद था? हाँ, याद क्यों नहीं है। बस ऐसे शुजा की परेशानी में ना बार बार जहन से निकल जाता था, सुबह से सोच रही थी। वस्फी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? है चड़प्पे मार के हमारे घर आ जाता है मुंह चुक के, तेरी हड्डियों को सुकून नहीं? मैंने बुलवाया है, शुजा की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, और तुम्हारे अब्बा के कंधों में दर्द हो रहा है। रहने दे भी अम्मा, हमें कोई जरूरत नहीं शरीकों का एहसान लेने की, मैं खुद गाड़ी चला के लेके जाऊंगी। 1994 में लिया था मैंने ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छी खासी गाड़ी चला लेती हूँ। ये 2023 है ताई अम्मी। तो 2023 में क्या होता है? गाड़ियों के अंदर जहाज के इंजन लग गए हैं, और ये कौन सी गाड़ी जो मैं नहीं चला सकती? एंजियोप्लास्टी से तो शायद बच जाए, लेकिन तुम दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी है, कट्ठे हासे निकल रहे हैं वक्खियों से, और तुझे शर्म नहीं आती? माँ की बिस्ती हो रही है और तू दांत निकाल रही है। अम्मी सही तो कह रही है वो। चुप कर तू मानो, और तू फुटा गा यहाँ से। जब दिल चाहता है ऊंट का ऊंट हमारे घर में घुस आता है, चल जाए यहाँ से। आप ही का भांजा हूँ फिलहाल। कुछ कहना तो कह दें, इस तरह घूर घूर कर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तुम्हें जरूरत क्या थी बीएमए के सामने अपनी जबान की ब्रेकें फेल करने की? लो, कहा ले गया जलेबी चुक के। दादी, ये कौवा जलेबी कहाँ लेकर जाते हैं? अपनी शुगर का इलाज कराने बेटा, हर वक्त उन्हें जलेबियाँ खिलाती रहती है। मुनीर जी मेरी गल सुनो, अपना हाथ अपने सीने पर रख कर सच सच बताओ मुझे, है ये कोई जेब देता है माँ जी को कहने का? असफू मानो का जोड़ कोई बनता है? बताए मुझे आप खुद। बात ही की थी ना, कोई निकाह थोड़ी पढ़ाने लग गई थी वो। एग्जैक्टली। मतलब क्या है तेरे एग्जैक्टली का? एग्जैक्टली का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ बात की थी, आप आराम से जवाब दे देती। आराम से जवाब दिया था, दिल को लगा लिया उन्होंने, मैं क्या करूं? पिछले 5 साल से लड़ रही है शजी भाई से मेरी खातिर, और ना चाहते हुए भी अपने शौहर से जुदाई बर्दाश्त की उन्होंने मेरे लिए, और तुमने पानी क्या क्या उन्हें खफा कर दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मानो से शादी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। दादी, आपने ये भी तो कहा था कि नीला तोता खा लेंगी। क्या? तुम इसलिए पूछ रही थी कि नीला तोता क्या होता है? यार लाके दे दो अपनी माँ को, चुटकी भी देख लेगी इसी बहाने से। मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करवाऊंगी, बता दिया आपको मुनीर जी। तो क्या बदरू बनकर डराएंगी? तूने तीली लगाई है ना, अब बर्दाश्त कर अपने पियो का मूड ऑफ अगले 4-5 दिन के लिए, हमें भी करना पड़ेगा। और बेटा जी, जरूरी है कि तू लुकमे दे बीच बीच में? बच्ची को तो बख्श दे, चलो चुटकी। मजाक बनाया हुआ है ये चुटकी है, सबक नहीं सीख सकती, लेकिन ये पता है कि क्या कहा है दादी ने, महाज है ये मेरे खिलाफ। मुनीर जी मूड तो ठीक कर ले। भाई कमाल कर दिया तुमने, बिला वजह तन्नू को भेज दिया शजी के साथ।
भाई अच्छा है ना, चंद लम्बे हम भी सुकून से गुजारे। और आज तो रिश्ते वालियों को फोन घुमा घुमा के मेरे कान पक गए, सर चकरा गया। सब शजी को भी एकदम बुखार चढ़ा है बेटी के रिश्ते का। कहां से आया अच्छा रिश्ता? रिश्ता तो है, दिल बड़ा करने की बात है। अरे कानो कान खबर भी मिल गई तो टांग देगी हमें। चुप, मैं आपके लिए जलेबी और समोसे मंगवाऊं? अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं समोसे की, कोई काम होगा तुम्हें जरूर। नहीं तो कोई नई फरमाइश तो नहीं करनी थी, वो तो मैं बी अम्मा का दिल खुश करने के लिए कह रही थी। बी अम्मा तुम्हारी बहुत खुश है मेरे साथ बैठ के, समझी? अब्बा मिया वो पार्टी कर ले। काहे की, तुम्हारे अब्बा की एंजियोप्लास्टी की खुशी में? अस्तगफुरुल्लाह, क्या हो गया इख्तियारुद्दीन, क्या कह रहे हो ये? नहीं ना, आज असफी की बर्थडे है ना, वो वैसे गिला कर रहा था कि बी अम्मा को याद नहीं रही। लो, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। लेकिन मुझे और अब्बा मियाँ को याद नहीं रही थी ना, इस बहाने घर का माहौल भी रिलैक्स हो जाएगा, कर लेते हैं पार्टी। बेटा तुम शायद भूल रही हो, जहाँ तुम और असफी मौजूद हो ना, वहाँ माहौल रिलैक्स नहीं, हमेशा टेंस रहता है। हमने दोस्ती कर ली है, लड़ लड़ के थक गए हैं हम। पर तुम्हारे माँ बाप तो नहीं थके ना, जब देखो चोंचे लड़ाने को तैयार बैठे होते हैं। बताए ना अब्बा मियाँ, कर लेते हैं पार्टी, बल्कि ऐसा करें बेकरी से कुछ चीजें ला दें। देख लो भैया, छापा बढ़ गया माँ बाप का, तुम्हारे तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। वैसे तन्नू और शजी आ गए ना, तो महफिल को चार चांद लगा देंगे। अरे नहीं, अम्मी को तो बाबा की टेस्ट करवा कर सजाद अंकल के घर जाना है, उनकी आप फिक्र ना करें। मैं बबली और गौहर को फोन करके बुला लूंगी, आप बस चीजें ला देना प्लीज। ठीक है। इख्तियारुद्दीन, कुछ नोट किया? वाइब्स तो आ रही है कुछ बड़े दिन से मुझे। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। चलो भाई वो लिस्ट ले लूं, चीजें लानी होंगी, पता नहीं क्या लंबी चौड़ी लिस्ट देगी। आए, आ रहे हम, अभी आ रहे हैं। जी, मैंने चाचा का गुस्सा ठंडा हुआ। स्वाते मिट्टी, दिल तो बड़ा चाह रहा था उनका मेरा साई कर दे, वो बस में नहीं था तो फूफा करते हुए चले गए। अटैच भी तो बहुत है ना वो भी अम्मा के साथ। अटैचमेंट तो मेरी भी बहुत है माँ जी के साथ, कल बड़ा मिस कर रही थी। फिर मेरा ध्यान जाते उनकी बात पे, एकदम तन बदन में ना आग लग जाती है। छोड़े चाची, हमें ही जब्त कर लेना चाहिए था। चाची, असफी की बर्थडे का केक बना रही हूँ। रहन दे, जिस होते शेर को चुंडी बट गया ना, इतनी आसानी से मुनीर चाचा ना तेरा वो नहीं मानने वाला, बता रही हूँ। मैं और फराज जाएंगे दो दिन के बाद, भी अम्मा को मना के लाएंगे, आप टेंशन ना ले। वैसे वहाँ के मौसम का सूरत हाल कैसी थी तन्नू नगरी की? लग तो बिल्कुल ठीक रही थी भी अम्मा। ये मुझे लगता है माँ जी ने जान मुझ के बुढ़ा लिया है सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पास जाने के लिए। ना बैठे बैठाए बट्टा मारा है, खे सारा हमारे सर में डाल दिया। छोड़े ना चाची, को पता है फराज और बच्चे ना ड्राइंग रूम सेट कर रहे हैं, और मैंने असफी को ना बहाने से दोस्त की तरफ भेज दिया। उस शतूंगड़े को तेरे सारे बहाने पता है, तेज है अपनी ताई की तरह, बता रही हूँ। अच्छा ना, मैं केक पे करती हूँ। चॉकलेट फज, उसका फेवरेट नहीं तो क्या, मेरा तो। असफी तुम कहाँ जा रहे हो? यार भाभी ने भेजा है अपनी दोस्त के यहाँ हलीम ड्रॉप करने। कौन से एरिया में? बैरिया टाउन। वहाँ तो जाने का एक घंटा, वापस आने का एक घंटा लगेगा, तुम छोड़ो सुबह दे देना। नहीं यार, खराब हो जाएगा सारा खाना। और यहाँ जो मेरा इवेंट खराब हो जाएगा उसका क्या? कैसा इवेंट? आओगे तो पता चलेगा ना। नहीं यार छोड़ो, पहले ही दोपहर में इज्जत अफजाई की है ताई अम्मी ने। अम्मी और बाबा घर पे नहीं, इसलिए तो बुला रही हूँ। अच्छा ऐसा करो, बस डेढ़ घंटा वेट कर लो, मैं हलीम ड्रॉप करके आता हूँ तुम्हारी तरफ। डेढ़ घंटा तो क्या, मैं डेढ़ मिनट भी वेट नहीं कर सकती। कोई गुंजाइश नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना तो अभी इसी वक्त आओगे तुम। लगता है इस मोहब्बत वाली बात को ना सारी जिंदगी एक्सप्लॉइट करना है तुमने। आ रहा हूँ मेरी जान। आ रहा हूँ मेरी जान। अगर तुम ऐसा करो जल्दी जल्दी ये बर्थडे पार्टी निपटाओ, तुम्हारे अम्मा बाबा आ गए ना अस्पताल से तो तूफान खड़ा कर देंगे। तूफान तो वाकई बहुत बड़ा आएगा, ये तो मुझे भी पता है। तुम मेरी बात मानो, तुम अस्थि को फोन करके कहो फौरन आ जाए, आधे घंटे में ये बर्थडे पार्टी हम निपटा देंगे। पार्टी तो शुरू होगी। अरे कैसे शुरू होगी यार, वो तुम्हारे बंटी बबली, उनसे गुब्बारे नहीं बुलाए जा रहे? बंटी बबली नहीं, गौरव बबली। हाँ एक ही बात है। अच्छा जीते रहो, अल्लाह आबाद।
यार कोली मार दे अश्वी मुझे आज, मतलब मैं कैसे भूल सकता हूँ उसकी बर्थडे। यार अश्वी को सरप्राइज दे तो रहे। तुम ना ढंग से गुब्बारे लगाओ। ये ना तुम ही लगाओ। अच्छा गुब्बारे की तरह अपना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, अश्वी किधर रह गया है? यार मानून ने किया कॉल, आ रहा होगा। ये लगाना किधर? ये लो भाई। वो अब्बा मियां, इस टॉपिक पे हम रात को बात करेंगे सयाक और सबाक के साथ। आप भी अम्मा को तो नहीं बताएंगे ना? तुमने हमें बड़ा बता दिया था, वैसे तो दिन रात गिरदान लगाती हो। बेस्ट पटी, बेस्ट पटी, बेस्ट पटी। I'm sorry अब्बा मियां। मोहब्बत सच्ची है ना? फराज पुत्र, सारी सेटिंग मुकम्मल है ना आसफू की सरप्राइज हैप्पी बर्थडे की? जी जी अम्मी, कर दिया मैंने ड्राइंग रूम में। ठीक है, तो तू जल्दी से तैयार हो जाना, वो आसफू आने वाला होगा। ये ना कि वो हमें सरप्राइज दे दे। पर चची उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। एक ये फोन नहीं उठा रहा, दूसरा इसका रुसा हुआ पियो पता नहीं मूड ऑफ करके मुंह सुजा के किस खोड में बैठा होगा। क्या हो गया अम्मी, ईशा की नमाज पढ़ने गए वो? तो चंगी गल है। पर ये आसफू फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? मुझे भी आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। कैसा सरप्राइज? अश्वी तुम केक काटो ना। तुम भी आओ ना इधर मानो। अरे भैया केक पे ध्यान दो, तुम यही खड़ी रहो। चलो चलो काटो केक। कॉल ले गया जलेबी चुके। निदा पुत्र तू मान या ना मान, मेरा नाम बदल लेना। ये क्या है माजी के पास होते? चुटकी जाके चाचू को बुला के लेकर आओ। नहीं नहीं चुटकी तुम बैठो, मैं देखती हूँ जाके। मां मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं बैठो। तू सरप्राइज, अरे जल्दी करो यार, केक है बकरा थोड़ी जो इतनी सोच विचार चल रही है। चलो केक काटो। मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही है। दीदी काट रहा हूँ। चलो चलो पहले भूख तो मारो। कैंडल्स बुझाओ। विश करो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं 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 भाभी आप लो, पड़ गया रंग में भंग। अरे आ जाओ अंदर, वहां क्यों खड़ी हो? लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। एंजॉय करो तुम लोग। तुम्हारे एंजॉय करने पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा लिया क्या? आ जाओ तुम भी केक खाओ। नहीं अम्मी बाबा कहाँ पे हैं? वो घर पे नहीं है। अरे बहन को केक दो ना, चलो। नहीं नहीं अब्बा मियां, वो घर पर सब वेट कर रहे हैं अश्वी का, मैंने केक बेक किया था इसके लिए। अरे भाभी आपने बताया ही नहीं। हमें क्या पता था कि तुमने अपनी बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, वरना हम केक ही नहीं बनाते। भाभी वो केक भी काट लेंगे, इशू क्या है, आए ना। नहीं नहीं तुम एंजॉय करो। अरे भाभी आई स्वेयर मुझे सबने सरप्राइज दिया है, मुझे नहीं पता था सबका। हाँ मुझे भी काफी बड़ा सरप्राइज दिया है तुमने। भाभी आई एम सॉरी। अब्बा मियां बचा ले। ओहो यहाँ पे कौन सी पोली पोली टोलकी बाज रही है? बाबा तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेहतर। ये बी अम्मा को होड़ा कुट्ठी होगी तभी बुलाया है। नहीं मैं ही पता नहीं क्यों आ गई यहाँ पे। इसे क्या हो? सालगिरह किसकी हो रही है यहाँ पे? अरे भाई हो रही होगी किसी की, क्या है? ना ना चल के देखे तो सही, आपके दिमाग पे चोट नहीं लगी है? दिल को मसला हुआ है, आके देखे पता रखे घर में क्या हो रहा है। सारे पते तो तुमने रखे हुए, मैं क्या पता रखूं? अच्छा तो यहाँ पे पार्टियां चल रही हैं। लो जी खोते खान जलेबियां ते भुखे मरन कुमार। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अंकल। आज अश्वी की बर्थडे है ना, अश्वी तुम छुपे हुए क्यों हो, बाहर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी
तो हमारे घर में ही होनी थी। अपने घर में कर्फ्यू लगा हुआ है जो सारा का टब्बर यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया है। मैंने बुलाया था, इतराज है कुछ तुम्हें? जी आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। नहीं नहीं तुम्हें देर नहीं हुई, हम जल्दी आ गए। अच्छा मानूर, हम कल मिलेंगे कैंपस पे, ठीक है? थैंक यू पमिया। ओके अब्बा मियां, ये क्या है? हैं अपने शरीकों की पार्टियां हमारे घर में हो रही हैं, हमारी छाती पे मूंग डाल रहे हैं, हमें बता दे फिर हम कहीं अपना मुंह लेके चले जाते हैं। तल्लो सगा पोता है हमारा वो। अब्बा जी, आपका सगा पोता है ना, हमारा क्या लगता है हमारे सरों पे क्यों लाद रहे हैं उसको, हमारी छाती पे क्यों मूंग डाल रहा है वो? और तू मानो, तू क्यों इतनी सज धज के खड़ी हुई यहाँ पे? अब्बा मियां ने कहा था मुझे। बा कुछ खुदा का खौफ खाए, बेटा घर में बीमार पड़ा और आपको ये चौंचले सूझ रहे हैं। अगर तुम लोग इतराज है तो वहीं चले जाते ना। मुन्ने क्या? ठीक है अब्बा जी, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी प्लीज। चुप कर तू, बड़ों के मामलात में मत बोला कर, चल अंदर सीधी आ। चलो भी तन्नो, यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है, घर में कोई बीमार है। और खबरदार तू उधर गई, चल अंदर आ। अम्मी, निधा का मैसेज आया, अस्सी बर्थडे पार्टी वहां मना रहा है। किसकी पार्टी हो रही है? अस्मी चाचू की। तरजी, मुझे लगता है तुम्हारी नानी के दिमाग की बैटरी का पानी सूख गया है। अम्मी ये कोई बात है बच्चों से करने वाली? बी अम्मा ने बुलाया होगा। मैं बता रही हूँ, मेरी छठी और सातवीं हिस्स ये कह रही है, ये माँ जी जो है ना नई फिल्म रिलीज करने वाली है, उसके ट्रेलर है ये, डंके की चोट पर। बस बैठ के गलत अंदाजे लगाती रहो, और काम ही क्या है तुम्हें? मेरे वालों खुए जान सारे, बता रही हूँ, नोट कर ले आप दोनों सलीका की बात। माँ जी ने ना आपके पुत्र का निकाह करवा देना चुपकी बचाकर अपनी पोती नाल। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बस कल से एक ही बात सवार है तुम्हारे दिमाग पे। फराज पुत्र, जरा जा लेकर आना, मैं जरा इसकी तगड़ी क्लास लूं, उसको कहो मैं उसके लिए लाउंज में इंतजार कर रही हूं। हां चुटकी चाचू कहां है? लॉन में मामा के साथ। भाभी आई स्वेयर मुझे नहीं पता था, आप क्यों अनरीजनेबल हो रही हैं? मैंने तो तुम्हें सोफिया के घर भेजा था ना हलीम देने के लिए। वहीं जा रहा था, वो रस्ते में मानो की कॉल आ गई। उसकी कॉल आ गई और तुम वहीं से पलट गए? ऐसी कौन सी गीदर सिंगी सुघा दी है उसने तुम्हें? नहीं, वो अब्बा मियां ने कराई थी ना कॉल, इसलिए आना पड़ा। भाई यार समझाएं भाभी को, छोटी सी बात का इशू बना दिया इन्होंने। तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी बात, मेरे लिए तो नहीं है। कम ऑन निदा, अंदर दूसरा केक पड़ा हुआ है, वो काट लेते हैं। अभी तो मेरा दिल कटा पड़ा है, मुझे नहीं काटना कोई दूसरा केक। तुम भी चलो अंदर, अम्मी सख्त गुस्से में। क्या मुसीबत है यार, वैसे चेक किया आपने भाभी को? हाँ कितना ऊपर से आई है, हालांकि बर्थडे वो मेरा भूली थी। हिम्मत है आपकी वैसे। हिम्मत के बच्चे, इतनी कॉल्स की है भाभी ने तुम्हें। मोबाइल चेक करो अपना, चलो अंदर अब। ये रेलू कट्टे पूरे का पूरा टब्बर हमारे घर में क्यों घुसा हुआ था? गौरव अबली बिबली और गहन नहीं, पप्पा और मामा तेरे क्यों आए हुए थे यहाँ पे, उनका पूछ रही हूँ। अम्मी मुझे क्या पता, अब्बा मियाँ ने बुलाया था सबको। अब्बा मियाँ ने बुलाया था तो तू क्यों पूरे दांत काट के हैं किकलियाँ डाल रही थी पराए मुंडे की बर्थडे पार्टी में? अम्मी पराया तो नहीं है, वो मेरे सगे चाचा का बेटा है। हाँ वही चाचा जो तेरे प्यो का दुश्मन है। दुश्मनी तो बड़ों के बीच में है ना, हम बच्चों का क्या कसूर? मेरी गल सुन असफुक, जस्ट बिकॉज तेरे प्यो का नाम मुन्ना है इसका ये नहीं मतलब कि तू भी काका बन जाए, वो भी 6 फुट का। सच सच बता, क्या पट्टियां पढ़ा रही है तेरी दादी जान तुझे? वो क्यों पट्टियां पढ़ाएंगी मुझे? मानो तेरे कूड़ दिमाग में क्यों नहीं घुसता कि बाप घर में बीमार पड़ा हुआ और तू दादा दादी के साथ मिलके पार्टियां उड़ा रही है? अम्मी आ मेरे लिए इस तरह की बातें क्यों कर रही है? अभी तो मैं सिर्फ जबान से बात कर रही हूँ, मैंने जूती उतार के ना तेरे गोडे गट्टे सेक देने। खबरदार तू उस लंबे खंबे के इर्द गिर्द मुझे नजर आई दोबारा। फाइनल वार्निंग, तूने अपने ताए अब्बा के घर से दूर रहना वरना मैं तेरे पैसे सेक दियांगी, वो भी हाई फ्लेम पे। बता रही हूँ तुझे। आंखों पर पट्टी बांध लूं या अपना घर उठाकर किसी और इलाके में ले जाऊं मैं? नहीं, तू बस ट्राई कर के तू बंदे का पुत्र बन जाए, वरना तीर की तरह सीधा करना आता है मुझे। और ये जो ख्याली पुलाव बना रही है ना तेरी दादी जान, कोई ध्यान देने की लोड़ नहीं। हैप्पी बर्थडे। बड़ा भी हैप्पी बर्थडे, सालगिरह गले पड़ गई मेरे। हेलो मानो, सब ठीक तो है? सुनो वो तुम प्लीज पीछे वाले गेट पे आ जाओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है।
ओके मैं आ रहा हूँ। ओके एसपी, कहीं डाका मारने जा रहे हो? अब नहीं तो लॉन में आओ, तुमसे बात करनी। आप चले ना, मैं जरा मानो को चेक, पानी की टंकी को चेक करके आया ऊपर से। हाँ जाए जाए। तुम टंकी चेक करो, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। सब ठीक तो है ना? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी भाभी के साथ? कितनी बार रिमाइंड करूं, वो बहन है तुम्हारी। अगर ये रिश्ता बीच में लेकर आओगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तुम उनके खिलाफ बात करोगी तो झगड़ा तो फिर भी हो जाएगा। तो ठीक है, निकाल दो मुझे अपने दिमाग से। कितनी आसानी से ये बात करती तुमने। मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ नूर, दिल से नहीं। तुम अपना बताओ। असी, मैं तुम्हारे अपने बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच में तो भी पूरे खानदान ने आना है। खानदान तो आ चुका है बेटा। अब्बा मियां, आप मानो, तुम अंदर चलो। जी आ रही हूँ। असी, तुमसे मैं कल बात करूंगा तफसील से। आओ बेटा। अपनी अम्मा के अकवाले जरूरी सुने थे शाम में। अब अम्मी, आप किसी ना किसी को तो ये दुश्मनी का सिलसिला खत्म करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर? पैदा करनी पड़ेगी। माँ तुम्हारी तुम्हें गोली छोड़ा देगी। निदा को तो नहीं मार सकी। अरे निदा की तो बात ही मत करो तुम। निदा की तरह तुम में हिम्मत नहीं है फैसलों के पुल से रात अबूर करने की। कैसा पुल से रात? वो पुल जिसके एक किनारे पे असफी है, उसे किनारे पे तुम्हारे माँ बाप। किसका साथ दोगी तुम? डेफिनेटली मेरा साथ देगी वो। निदा की तरह स्ट्रांग नहीं है वो कि हक बात के लिए अपने पेरेंट्स के सामने डट कर खड़ी हो जाए। ये हिम्मत और हौसला तो आपकी मोहब्बत ने दिया होगा ना भाभी को। इतना दम है तुम्हारी मोहब्बत में? हाँ है। ये अंधा एतबार कभी कभी बंदे को डुबो भी देता है। भाई आप साथ देंगे मेरा? ऑब्वियसली दूंगा, भाई हो तुम मेरे। मैं साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? किस बारे में साथ देने की बात हो रही है? तुम्हारे देवर को मोहब्बत हो गई। हाँ, किससे? कौन है वो? रहन दें आप, सारा बर्थडे खराब कर दिया खफा होकर। अरे ये देखे जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बताए ना किसकी बात हो रही थी, कौन है वो? मुझे खुद नाम नहीं बताया, सुबह पूछ लेना। अभी वैसे भी उसका मूड ऑफ है। इसके मूड की तो ऐसी की तैसी, अभी पूछूंगी मैं जाके। हाँ निदा की तरह तुम में हिम्मत नहीं है फैसलों से पुलिस रात अमूर करने की। वो पुल जिसके एक किनारे पे असफी है, उसे किनारे पे तुम्हारे माँ बाप। किसका साथ दोगी तुम? असफी, एक सेकंड के अंदर अंदर मुझे उस लड़की का नाम बता दो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। एक, दो, तीन। लो जी, अब तो 3 सेकंड हो गए, दबाएं गला, शाबाश। तुम्हें ना मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं है। एहसास ना होता तो अब्बा मियां का फंक्शन छोड़कर आता मैं बीच में। वो तो तुमने आना ही था,
क्योंकि अम्मी और बाबा जो आ गए थे ऐसे जूते पड़ते ना तुम्हें कि तुम याद रखते। इस वक्त तो मुझे सिर्फ आपका बेतबार लहजा याद है। आपको वाकई लग रहा था मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? फजूल बातें मत करो, बताओ ना कौन है वो? आज के दिन तो हरगिज नहीं बताऊंगा। भाई नहीं हो मेरे? नहीं, रिश्ता बदल दिया मैंने। हजार रिश्ते बदलो ना, मेरे लिए तो तुम वही रहोगे, मेरे अपने लट्टू की तरह प्यार है। अच्छा, प्यार कुर्बानी मांगता है, सोच लें। हजार बार कुर्बानी मांग के देख लो, कभी मायूसी नहीं होगी। ऐसे नहीं, खाए मेरे सर की कसम आप साथ देंगी मेरा? ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने पहले तो कभी तुम्हारा साथ दिया ही नहीं। असल साथ तो अब चाहिए होगा। फजूल बातें मत करो, बताओ मुझे कौन है वो? बताऊंगा नहीं, मिलवाऊंगा। कब? कल। लेकिन अभी आप प्लीज कमरे से जाएं, शदीद नींद आ रही है मुझे। के? फोन क्यों नहीं उठा रही है मनो की बच्ची?